हरियाणा के राई में आ चुके हैं, एक नई लोकेशन, जबरदस्त लोकेशन, भयानक लोकेशन और ताबड़तोड़ लोकेशन के साथ। और हॉस्टल है ये, गर्ल्स हॉस्टल, और अब प्राइम रोज गर्ल्स हॉस्टल नाम है इसका। सबसे पहले तो नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, मैं वो भी बोल आदाब, शब्बा खैर, लव यू। ये जो लव यू वाला है पॉइंट टू भी नोटेड है। और अब चलते हैं लोकेशन की तरफ, अब सर्च करते हैं, अंदर आते हैं थोड़ी सी और अंदर बातें करते हैं थोड़ी। तो कुछ थोड़ी सी बातें बता देता हूँ मैं पहले यहाँ की आपको, और फिर पूरा हॉस्टल दिखाता हूँ मैं आपको। ये गर्ल्स हॉस्टल है हरियाणा के राय में, और यहाँ के बारे में मैं आपको जो यहाँ की कहानी है वो बड़ी बेकार कहानी है। अब मेरे को तो बेकार लगी, और आपको सही लगेगी या नहीं लगेगी, इट्स डिपेंड ऑन यू। और क्या कहानी है वो तू बता दे आज कहानी। कहानी आज की, चलो आपको मैं कहानी बता देता हूँ। कहानी यहाँ की ये है यार कि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे चार लड़कियाँ थी जो प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करती थी। और कुछ टाइम बाद जाके जब यहाँ के लोगों को पता चल गया, यहाँ की लड़कियों को, स्टाफ को पता चल गया कि वो बिज़नेस करती है, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया। और इन्फॉर्म करने के बाद जब उनके पेरेंट्स को पता चला, तो वहाँ पे उनमें से एक लड़की ने इस हॉस्टल के अंदर आग लगा ली। और आग लगाने के बाद अब तीन लड़कियाँ भी थी, तो वो घबरा घबरा गई। जो भी उनके बीच में हुआ स्टोरी, जो भी हुई हमें, जो ये लोकल स्टोरी बता लोकल है, स्टोरी वो ये है, पर उसके बाद ये नहीं पता कि क्यों खाली हो गया। बस उसके बाद ये चला नहीं, बस उसके बाद ये बंद हो गया। और ये इतना तगड़ा बंद, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 साल पहले की बात है, 2016 के एंड की बात है ये। तो आप यही सुनिए, पूरा हॉस्टल और यहाँ से आसपास से बंदे निकलते भी नहीं है। बताते हैं कि चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, ये सब बस जो हर बार हर लोकेशंस पे आती हैं वो जो बुलाती हैं। तो थोड़ा सा घूमते हैं पहले, तो सो चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो गर्ल्स हॉस्टल है, हमने इसकी छत से इसको देखना चालू किया, और नीचे हम देख चुके हैं, और हमने छत पे आया और हमने देखा, फिर हमने सोचा कि यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं और नीचे तक जाते जाते इसको खत्म कर देंगे। तो यही है भाई, नीचे ये पूरा टूटा पड़ा है, ये पहले पूरा था वहाँ तक, अभी हम यही देख रहे थे, और ये पूरा था जो पूरा नीचे तक देखो टूटा पड़ा, और इसके जो पूरा इसका मलबा है वो नीचे गिरा हुआ है, पूरा तोड़ दिख रहा होगा कितना टूट गया है। और यही एक कॉन्फ्रेंस हॉल वॉल है जो भी है, और अब आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हमने देखी कि किचन है, एक किचन देख लेते हैं। यहाँ पे बल्ब बल्ब सारी चीज़ें गिरी हुई है, सारा सामान गिरा हुआ है, पता नहीं क्या क्या गिरा हुआ है, इतनी गंदी बदबू हो रही है यहाँ पे। अच्छा ज़्यादा हाँ, अच्छा भी क्या है भाई, ये किचन नहीं है एक्चुअली, क्या है ये मुझे लग रहा है ये लैब है। हाँ ये लैब है, ये गर्ल्स हॉस्टल की लैब है। और हॉस्टल में लैब कहाँ से आई यार? ये देखो, ये कुछ ना यहाँ पे टेस्ट करते हैं, देखना यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स पड़ी हुई है। हाँ ये ट्यूब्स पड़ी हुई है। हाँ ये देखो, ये वाली, ये जो ट्यूब्स हैं निकाले जा रहे हैं ट्यूब जम, ये देखो अब इसे बोल, पता नहीं भाई बोल क्या बोलते हैं इसको, जो भी कांच का कांच है वो, तो ये तो कुछ खतरनाक ही चीज़ है भाई। और आगे भी कुछ होगा। और भाई पता ही क्या, यही है कि गर्ल्स हॉस्टल में भूत तो आएगा नहीं, क्या आएगी, भूतनी चुड़ैल, भूतनी। तो भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ, तू? मैं तुमसे ज्यादा, तुम्हें पता है मैं ज्यादा रहता हूँ यार। तो हाँ हाँ, इशारे कर रहे हैं, अरे समझ जाओ यार। तो भाई
अभी ये लैब है यहाँ पे, पता नहीं क्या करती थी ये, कौन सा एक्सपेरिमेंट करती थी वो। हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो वो चूहे हुए काटते थे, साइंस की जो लड़कियाँ होती थी वो। तो हम तो साइंस के हैं नहीं, हम तो बताइए आपको अपना तो सबसे अलग कोर्स होगा। हाँ तो भाई चलें नीचे की साइड चलते हैं। हाँ भाई यहाँ चलते हैं, करते हैं मजे। यहाँ पे यही सब पड़ा हुआ है भाई, ये गंदी पड़ा हुआ है, यहाँ पे कांच वाँच ही पड़े हुए हैं, पूरा कांच पड़ा हुआ है भाई। यहाँ पे ट्यूब व्यूब ये सब कांचे पाँचे। वही है अपनी तो एंट्री ऐसी होती, लात मार के गेट तोड़ दिया। ये यार ये जो हॉस्टल का रूम ये है, ऐसे रूम आए करते हैं हॉस्टल में। और तो गया है क्या, मुझे तो बुलाया नहीं किसी ने आपको हॉस्टल में भाई, बुलाया नहीं। ये यार यहाँ पे तो और कुछ है नहीं है भाई, मैं भी नहीं गया आज तक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, तो बुलाता ही नहीं है कोई वैसे, सब हॉस्टलों में देखा है। और मैं जाता भी नहीं हूँ, पापा देख रहे हो। ये है, ये बाथरूम है, महंगा था क्या, महंगा सा लग रहा है देख रहा। और ये है वो रेशमी दरवाजा, ये वो रेशमी, ये रेशमी दरवाजा है, ये है किचन छोटी सी। भाई मैं सबको पहले ही क्लियर कर दूं, जो आवाज़ आ रही है रोड के बाहर से आ रही है, बाहर देखो, बाहर देख सकते हो रश गाड़ियाँ, ठीक है ना, ऑन हाईवे है ना। कहीं फिर कहीं ये कमेंट आए कि भाई नहीं के तो चेहरे भी उतरे हुए थे आज, आज लग रहा था इनकी फट भी रही है और आज ये आवाज भी आ रही है। आ, बोल भी नहीं सकते, शर्ट देख रहे हो शेर फ्रेंड यार, तूने तो ये कमेंट में आने देता ना यार। यार तो बता दूंगा कहीं, वो बताना हो भाई, शेर आया, शेर आया, चीता प्रिंट है ना खास, लव यू पॉइंट टू बी नोटेड। और नीचे चलते हैं, और नीचे चल के कांड करते हैं थोड़े से, जल्द हॉस्टल में आए हैं तभी आज कपड़े हैंडी मैन है भाई ने। तो नीचे आ चुके हैं और कोई बाहर से शोर आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है, लग रहा था भाई कुछ। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे खड़े थे ऊपर, वहाँ पे खड़े थे हम अभी, और मैंने आपको दिखाया कि नीचे देखो आप जरा, पूरा ये पूरा टूटा हुआ भाई, देखो पूरा ये सब ऊपर तक नीचे गिर दिया। और बाकी बाकी तो यहाँ कुछ है नहीं भाई, अंदर है, अंदर चलो यार, यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, कचड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे, चलो बता दो फिर देखो ये रूम को अवॉइड करो। पता नहीं क्या है यार, ये इतनी सारी रूई पड़ी है क्या है, ये कॉटन है, कॉटन पता नहीं शायद, हो सकता है बैटर कुछ हो यार, फिर चलो गड़ी बोला तो आ जाओ पहले तो थोड़ा सा। और ये है कि अब हम नीचे हैं और ये रूम्स है आई थिंक, और ये गर्ल्स हॉस्टल है, अब यहाँ घूमते हैं और ढूंढते हैं। इतनी बदबू आ रही है पता नहीं, यार स्मेल बहुत है, बहुत स्मेल है, बट फिर भी आना चाह रही। कुछ बहुत सारे ड्राम पड़े हैं, और आज पता नहीं मेरी लाइट क्यों ये बंद हो रही है बार बार। हाँ भाई लैब का ही सामान था इसमें, देखना क्या लिखा है, क्या लिखा है, पोटेशियम, पोटेशियम पेनिसिलिन पोटेशियम, इसमें ही पड़ा है भाई सारा फार्मेसी का सामान। सही कह रहे हो, तो लैब ही थी यार जो ऊपर थी ना, तो इसी में पड़े हैं भाई सारे सॉल्ट। अच्छा ये देखो आप, ये कहीं से बन के भी आया है, प्रोडक्ट बाय बाय चाइना लिखा हुआ है इसके ऊपर, देखो कितने के जी का है, क्या है क्या नहीं है। और ये बहुत सारे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं मिला था यार, ये सामान भी है यार, ये पता नहीं क्या ड्रामा है हर जगह को यार, ये देखना ये भी गेट तोड़ रखा है यहाँ पे, ये देख वो, ये हर जगह को तुम बेकार कर दो और उसको हॉन्टेड के उससे
खराब कर दो। एक हॉन्टेड बोल गया ना, इस फिर वही बात है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ, फिर मैं थोड़ी सी ज्ञान वाली बातें कर दूंगा तो सही, तो तुम कहोगे कि ज्यादा ज्ञान बांट रहा है, लेकिन भाई अगर सब गरीबों को भी एक कमरे में रुकवा दिया जाए तो उनका ही भला हो जाएगा जो रोड पे फुटपाथ में सोते हैं। यही है भाई कमरे, यही सो जाए ना वो, ये कमरे कमरे है भाई, इस कमरे में से निकल के बाहर चलते हैं। ये यार लोकेशन तो, ये लोकेशन तो यही है कि हॉन्टेड ही है। थोड़ा बड़ा है ये हॉस्टल काफी, देखो आप जरा इसकी आपको डेप्थ दिख रही होगी, थोड़ा बड़ा तो है ही है, देखो पूरी झाड़ियाँ है, पूरी इसमें तो घुस ही नहीं पाएंगे यार, एक आवाज आ रही है। हाँ चले आ रही है ठक, आवाज नहीं आ रही, जैसे हम चले थे ऊपर और शीशा टूटा था। कौन है? कैमरा बंद कर लियो, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, आ जा भाई, लेके भी जा, कैमरा ऑफ मत करी, कैमरा ऑफ मत करी, कुछ भी हो जाए, भाग थोड़ा जल्दी भाग, देखो थोड़ा पकड़ पकड़ पकड़, इधर इधर इधर, कोई है यहाँ पे, कोई बदबू आई जा रही है भाई, यहाँ से बाहर आ रही है, बदबू भी आ रही है यहाँ पे, भाई यहाँ से आवाज आई थी अभी, कोई बदबू भी बहुत कम, और मैं यहाँ पर देख के हैरान हूँ भी, आप देखो तू इनको ये दिखा एक बार, ये देखिए इंजेक्शन भी है इधर, ये देखो यार यहाँ पे सिगरेट, ये थर्माकोल वाले वो जो फॉइल्स होते हैं, ये माचिस है, ये अभी कोई यहाँ पे सिगरेट या कुछ क्या कहते हैं ये जॉइंट वॉइंट पी रहे थे यहाँ पे, ये जॉइंट की स्मेल है, जॉइंट की स्मेल आ रही है अभी, और ये देखो इंजेक्शन पड़े हैं इधर, ओए हाँ यार ये इंजेक्शन है सारे भाई, यहाँ जस्ट अभी अभी कोई गया है सागर, अभी अभी कोई गया है जस्ट अभी, मैंने देखा था कि यहाँ पे से कोई गया है अभी अभी, और उनकी आवाज़ आई थी, दो बंदे थे बाहर की तरफ गए हैं वो, और ये कर रहे थे वो यहाँ पर बैठ के, देखो ये देखो ये बड़ा लाइटर, ये देखो भरा पड़ा है पूरा माचिस और फॉइल से, वो यहाँ पर शायद कोई गांजा वांजा या फिर कोई अलग तरीके का नशा है, क्योंकि देखो ये इंजेक्शंस पड़े हैं, ये रहे इंजेक्शंस, ये रहे इंजेक्शंस, ये पड़े इंजेक्शन, और ये भी भाई एक वॉयल जिसे वो लेते हैं शायद, देख एक वॉयल ये भी पड़ी है शायद, इस पर नाम हो इसका, क्योंकि हम इसके बारे में फिर सर्च करेंगे, नाम है ये, अबे ये तो उसका इंजेक्शन है एविल का, जिससे वो हो जाता है एलर्जी हो जाती है, ये एविल का इंजेक्शन है यार, एविल तो वही होता है एलर्जी का इंजेक्शन, अब पता नहीं एविल के इंजेक्शन से कौन सा नशा होता है, नशे तो बहुत तरीके के हैं यार, और ये मेरे हाथ काले हो गए, अरे यार, और एविल के उससे पता नहीं शायद कोई नशा होता हो, वो भी मैं एक बार जाके हम देखेंगे, और आप भी देखना, नए नए नशे हो गए भाई मार्केट, ये तो है भाई बग गया, तो इतना ही है भाई इस हॉस्टल में, थोड़ा सा एक बार और चल के अंदर देख लेते हैं, ये पूरी इनकी अलमारी
पड़ी हुई है यहाँ पे, और ये यहाँ पर कुछ क्या है ये यहाँ पे भाई, कुछ इनकी चुन्नी उन्नी गिरी हुई किसी लेडी की, देख लो अंदर ये चुन्नी पड़ी हुई है किसी लेडी की। हर लोकेशन पे यही सब कुछ पाता है, कभी किसी की चुन्नी, कभी किसी के बिस्तर पीछे क्या क्या, शिव 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 भाई, शिव 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 शिव। और इसे तुम हॉन्टेड बताते हो? हाँ, ये तो ये सबसे बड़ी हद है वैसे, ये तो प्यार की जगह है। हाँ, ये तो आशिकों का गढ़ है। अरे आशिकों के दिल बेटा ढूंढ लिया तो बहुत मारेंगे। हाँ, कहीं छुप रहा हो बेटा, कोई है अगर तो बाहर निकट जा रहे, अगर मिल गया, देख अभी निकट गया बाहर, पता है तू नशे वशे कर रहा होगा यहाँ, कोई सा भी हो भाई। हाँ, बहुत चांट लगेंगे नहीं मुंह पे। चल कोई नहीं, भाग्य दिखे वो, क्या पता और भी हो, डर गए भाई। तो चलें फिर यार, यही था इस वीडियो को, यहाँ पे करते हैं एंड खत्म। और कुछ बातें करनी है? क्या बातें करेंगे, बस ये इतना सब कुछ देख लें उनके लिए, वही भाई इतना सब कुछ देखो और मिलियन में पहुंचाओ चैनल को। मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, अगर चाहते हो कि बड़ी बड़ी हॉन्टेड लोकेशंस और इंटरनेशनल लेवल हॉन्टेड लोकेशंस को भी हम एक्सप्लोर करें, तो यार वीडियोस को शेयर ज़रूर, दिक्कत करो फटाफट उसको, वीडियोस को शेयर बहुत करना ज़रूरी है, क्योंकि यार काम में वही वाली बात है, पहले भी बात बोल रखी है, मज़ा नहीं आ रहा यार। यार मज़ा, यार अपन है ना, यार अपन है ना, थोड़ा सा ज़्यादा भूख है यार हर चीज़ की, मेरे को लगता है आप ना वो डाइट डालने पड़ेगी। आपने इतना अगर कुछ दिया है तो थोड़ा सा और सपोर्ट करो, हर बंदा जो सिर्फ हमें प्यार करता है ना, वो भी अगर हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देगा तो भी अपना काम इजी हो जाएगा, तो इतना तो कर ही सकते हो तो करो। मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, किसी नेक्स्ट जगह पे, किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। और अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं बता रहा लव यू जिसके लिए है, ठीक है। अरे यार इन सब के लिए यार, बोलो तो फिर ये पता, फिर मैसेज कर करके बहुत वो करते हैं, लव यू भाई जो भी है बता देता हूं, कोई बात नहीं, नहीं सबके लिए लव यू है, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्यार देते रहें, वीडियो को प्यार देते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, चलते हैं। और गर्ल्स हॉस्टल में आया था इसलिए कपड़े पहने, और कोई चलो भाई, मिली नहीं इस बार भी नहीं मिली।